विवाहित श्रृंगार का सामान हो, घर की जरूरतों का, बच्चों की किताबें खिलौनों से लेकर आपके हर छोटे बड़े रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े आवश्यक सामान बहुत ही किफायती दामों में, इंटीरियर डेकोर्स, गिफ्ट्स, किचन आइटम्स, कॉस्मेटिक्स, ग्रोसरीज, स्कूल आइटम्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, डेकोरेटिंग आइटम्स, टॉयज एक्सेट्रा, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर होम नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। हर प्रकार की खरीदारी के लिए एक मात्र बेहतरीन जगह आज ही आए, खरीदारी करें और पैसे बचाएं। आपका अपना चेन्नई स्टोर। नमस्कार, मैं अनिता, न्यूज एंड डिमांड 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। गरीबों की मदद करना हर कोई सोचता है, मगर किस्मत भी ये मौका हर किसी को नहीं देती। मगर दिल में अगर चाह हो तो ये हर किसी के लिए मुमकिन है। थोड़ा सा ही सही, मगर आपका सहयोग किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। जी हाँ, एक बार फिर हम मिलने गए कोमल आनंद जी से, जो पंख नाम के एनजीओ की फाउंडर है, जिन्होंने आज चिन्मया मिशन में एक गरीब महिला जिसके 3 दिव्यांग बच्चे हैं उनको मदद के रूप में सिलाई मशीन भेंट की और उन्हें प्रशिक्षण दिलाने का भी जिम्मा लिया। साथ ही हम आपको बता दें कि उन्होंने सोशल वेलफेयर के डायरेक्टर श्रीमती इति अग्रवाल जी के जरिए भी उस महिला को हर संभव मदद दिलाने की बात कही। मिसेज इति अग्रवाल जी ने भी उनके मदद की हामी भरी ताकि वह महिला आराम से अपने बच्चों की परवरिश कर सके। इन्हीं के बीच अनीताज ब्यूटिशियन की ऑनर श्रीमती अनीता मजुमदार जी ने भी एक कदम आगे बढ़ाते हुए पंख के सहयोग से ऐलान किया कि वे गरीब, जरूरतमंद और दिव्यांग लड़कियों को निशुल्क ब्यूटिशियन का कोर्स कराएंगी, जो वो पहले से भी मदद देती आई है। हम न्यूज ऑन डिमांड 24/7 की टीम ऐसे सभी द्वीपों की महिलाओं को सलाम करती है जो जरूरतमंदों की मदद की एक जरिया बन रही है। कृपया निःशुल्क ब्यूटिशियन कोर्स के लिए स्क्रीन पर दिया गया नंबर और मोबाइल पर जरूर संपर्क करें। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की ये रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन, न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं पोर्ट ब्लेयर के चिन्मय मिशन, जहां पर एक एनजीओ पंख, जिससे आप सब शायद परिचित होंगे क्योंकि पंख के द्वारा अंडमान निकोबार में कई जगहों पर बहुत सारे समाज सेवा के काम किए गए हैं। उन्हीं के जो फाउंडर हैं मिसेस कोमल आनंद जी, उन्होंने आज यहाँ पे एक छोटे से कार्यक्रम का आयोजन किया है, जहाँ पर वे सोशल वेलफेयर बोर्ड की जो डायरेक्टर हैं मिसेस इति अग्रवाल जी, उनके सामने एक महिला जिनके 3 स्पेशल चिल्ड्रन हैं, उन लोगों की मदद के लिए उन्होंने पंख ने एक कदम आगे बढ़ाया है। और साथ ही मैं आपको बता दूँ कि इस कार्यक्रम में अनीता मजुमदार जी, जो अनीताज ब्यूटी सैलून की ओनर है, उन्होंने भी पंख के साथ हाथ में हाथ मिलाकर और भी अंडमान के ज़रूरतमंद गरीब लोगों के लिए एक कदम आगे बढ़ाया है। चलिए हम आपको उसकी पूरी कवरेज दिखाते हैं। सेलिंग स्टार्ट कर सकते हो, बट प्रॉपरली अगर आपको कुछ मार्केट मिल जाता है तो वो ज़्यादा इनके लिए हेल्पफुल होगा। तो मैं भी ट्राई करती हूँ, हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे बात करके बात करेंगे। और जो ये SHG मेला या कुछ भी इस तरह का लगता है तो आप पार्टिसिपेट करो, मतलब दिस इज सच अ गुड थिंग। और कोई खुद से आगे आता है ना तो वो और ज़्यादा अच्छा होता है। हम लोग तो मदद कर सकते हैं, मैडम मदद ही कर सकते हैं, बट आगे खुद से आना पड़ता है। वो बहुत ही अच्छा किया है आपने, आई विश यू ऑल द सक्सेस कि इस काम में आप आगे बढ़ो, अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश करो, और जो भी जिस तरह की मदद चाहिए हम जितना हो सकेगा हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अभी मैम ये 2 सीख रही हैं, बट अभी मैं एक ही तो अभी मैंने इनको बोला थोड़ा हम वेट करो। हम लोग भी मैम इन लोगों से मेरा, हम लोग हमेशा साल में 4 कैंप्स करते हैं ऑडिटोरियम में,
ओपन स्पोर्ट्स, इंडोर स्पोर्ट्स इन लोग के लिए, बच्चों के लिए, मतलब इसलिए रखते हैं क्योंकि हम अप्रोच कर पाए ऐसी फैमिलीज के। तो ये लोग भी मेरे ख्याल उन्हीं के थ्रू मेरे से कांटेक्ट में आए हैं। आप जब आप सब लोगों के लिए ये उदाहरण है, उनको देखकर बहुत प्रेरणा मिलेगी लोगों को। बहुत सारे ऐसे लेडीज बच्चों को सिखाया है और वो आज खुद का मतलब पार्लर चला रहे हैं। वेरी गुड। वो फील्ड में भी जा रहे हैं कर रहे हैं। तो आज भी बोलते हैं कि आप सबको जिंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिला। चलिए अभी हम डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मिसेस इति अग्रवाल जी से बात करते हैं और आज ये जो भी प्रोग्राम हुआ है पंख के द्वारा, इस बारे में हम दर्शकों के लिए उन्हीं से जानते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। ये प्रोग्राम जो पंख एनजीओ द्वारा किया गया है, जिसमें मिसेस मैरी जो इनको स्विंग आती है, तो ये ट्रेनिंग देते हैं और डिसेबल्ड वुमेन को। और अभी इन्होंने कुछ बैग्स वगैरह, हैंड बैग्स बनाना स्टार्ट किया है, विच इज़ इट। ये जो है बनाने से मार्केट अगर हम करते हैं, लोग इसको ख़रीदते हैं, देखिए ये बैग्स इन्होंने बनाए हैं, तो इससे इनको लाइवलीहुड में काफ़ी हेल्प मिलेगी। प्लस और भी आगे हम इसको बढ़ा सकते हैं, अगर ये और विमेन इसमें जुड़ जाती हैं, एक SHG हम फॉर्म कर सकते हैं, तो एक बहुत बड़ा जीविका का साधन इनके लिए हो सकता है। और साथ ही मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सभी से कि जो भी डिफरेंटली एबल्ड विमेन हैं या बच्चे हैं, उनको लेके आइए आगे डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, पंख फाउंडेशन मिलकर के कुछ ना कुछ हम प्रोग्राम्स के थ्रू या कैसे भी करके वी कैन टाई अप करके दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ हम कुछ एक उनको लाइवलीहुड का, एजुकेशन का साधन अगर प्रोवाइड कर सकेंगे तो ये बहुत ही अच्छा होगा अंडमान एंड निकोबार के लिए। थैंक यू मैम। अभी जैसे आपने कहा कि इनके लाइवलीहुड के लिए पंख NGO हैं, चिन्मय मिशन है, इन लोगों ने इनको कुछ हेल्प दिए हैं, तो सोशल वेलफेयर की तरफ से इनको क्या हेल्प मिल सकता है? अभी फ़िलहाल के लिए डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर कुछ स्कीम्स इम्प्लीमेंट करता है, जो कि कुछ स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाई जा रही हैं, जैसे कि डिसेबिलिटी अलाउंस है, डेस्टिट्यूट अलाउंस है। उसके अलावा हमारे होम्स भी हैं। अभी कुछ रिक्वेस्ट आ रहे थे कि हम कुछ बच्चों को आइडेंटिफाई करके अगर स्पेशल स्कूल बना सकते हैं, तो उस पर भी हम आगे काम करेंगे। मैम अभी जैसे ये जो लेडी है, ये ऐसे बैग्स वगैरह बना रही हैं, चलिए बैग तो बना देंगे, पर इनको मार्केट करना, इनको सेल करने के लिए इनको क्या कोई स्पेस वगैरह दिलाया जाएगा? ये अभी अभी क्योंकि मेरे संज्ञान में आया है, तो डेफिनेटली जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो हम एक स्टॉल कर सकते हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से, जहाँ पे इन बैग्स को या जो भी ये लोग बनाते हैं उनको लगा सकते हैं। बट ये बहुत ही एक छोटे स्तर पे रहेगा, तो मेरे हिसाब से अगर बहुत काफ़ी बड़े स्तर पे हमें जाना है, तो हमें इसको थोड़ा बड़ा सोच के, या तो किसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के साथ अटैच होकर, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ के साथ भी हम लोग बात करके मार्केट प्रोवाइड करा सकते हैं। तो उसके लिए भी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर ट्राई करेगा। जैसे आपने अभी मिसेस इति अग्रवाल जी को सुना कि वो काफ़ी उत्साहित हैं इन चीज़ों को लेकर और काफ़ी इनक्रेज भी करती हैं ऐसे लोगों को जो आगे बढ़ना चाहते हैं। कहने को डिसेबल्ड मगर डिसेबिलिटी कभी नहीं होती जब उनमें अगर किसी भी प्रकार की हुनर हो, तो इनको प्रोत्साहन करने के लिए सोशल वेलफेयर हमेशा उनका साथ है। एक और शख्सियत को जानने की आप लोगों को बहुत ज़रूरत है, हमें ऐसा लगता है, इसीलिए हम आए हैं मिसेस अनीता मजुमदार जी के पास। आप सब जानते होंगे दिलानीपुर में अनीताज जो ब्यूटी सैलून है उनकी ओनर है, उन्होंने पंख को अप्रोच किया और ख़ुद से उन्होंने इच्छा जताई है कि ऐसी जो भी औरतें हैं, डिफरेंटली एबल्ड औरतें हैं, लड़कियां हैं, वो हों या कोई ज़रूरतमंद लड़कियां हों, उन लोगों को ब्यूटीशियन का ट्रेनिंग देंगी ताकि वो अपने ज़िंदगी में
आगे बढ़ सके। चलिए हम उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं हमारे दर्शकों को उन्हें क्या कहना है। नमस्कार मैम जी। नमस्कार, मेरा नाम अनीता मजुमदार है। मैं एक प्रोफेशनल ब्यूटी थेरेपिस्ट एंड मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मेरा खुद का स्टूडियो है दिलानीपुर में। मैं काफ़ी 12 साल से मेरा इस फील्ड में एक्सपीरियंस रहा है और मैं गवर्नमेंट स्कूल में भी एज अ गेस्ट लेक्चरर ब्यूटी एंड वेलनेस के बच्चों को ट्रेनिंग देती हूँ 9 to 12 स्टैंडर्ड के। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे आए हैं पहले जिनको मैंने ऐसे ही सिखाया, आज वो खुद भी काम करे। बट मैं पंख को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि मैम को जब मैंने बताया अपना इच्छा तो उन्होंने बोला कि हाँ आप आइए हमारे साथ, जो हमारे पास ऐसे स्पेशल गर्ल्स है, वुमेन्स है जिनको आप सिखा सकते हो। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये मौका मिला है मैम की तरफ से, कोमलानंद मैम की तरफ से, पंख की तरफ से, कि मैं इनके साथ जुड़ सकूँ और इनको शिक्षित कर सकूँ ब्यूटी एंड वेलनेस के बारे में बता सकूँ, ताकि ये अपना खुद का जो है रोज़गार शुरू कर सके, अपना खुद का लाइवलीहुड वो अच्छे से इंडिपेंडेंट हो सके अपने लाइफ में। कुछ भी हो, कैसे भी हो, आपके अंदर अगर एक विल पावर आ गया तो आप कुछ भी कर सकते हो कहीं पे भी किसी भी फील्ड में, मैं यही सोचती हूँ। और मैं सोशल वेलफेयर मैडम को भी बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ कि वो उन्होंने बहुत कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए और इन्होंने देखा कि यहाँ पे जो है सारे जो स्किल प्रोग्राम से जो वुमेन्स जुड़े हुए हैं उनको उन्होंने अलग से इंस्पायर किया कि वो आगे जा सकते कर सकते। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। और हम न्यूज़ अंडमान 24/7 की टीम भी इस कदम को काफ़ी सराहते हैं और इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने ये निश्चय किया है हमारे अंडमान निकोबार द्वीपों की ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए। चलिए अभी हम एंथोनी अम्मा जी से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उन्हें आज के इस पूरे प्रोग्राम को लेकर, आज जो कुछ भी हुआ है उसे लेकर हमारे दर्शकों को उन्हें क्या कहना है। नमस्कार मैम। नमस्ते सर, और मैडम को भी नमस्ते, सोशल वर्कर मैडम को भी नमस्ते, जो कोमल मैडम को भी नमस्ते और स्वामी जी भी के नमस्ते जी। हम पहले तो पूरा बच्चा डिसेबिलिटी बच्चा है मेरा, तीन बच्चा है, तीनों डिसेबिलिटी बच्चा है, तो अकेला बच्चों को लेके काम करके चलाती थी, घर चलाती थी, मेरा हस्बैंड नहीं है। फिर मैडम को प्रोग्राम दे के, कोमल मैडम का प्रोग्राम दे के, पंख ग्रुप का, जो उसके बाद में हम आए मैडम से मिले, फ़ोन नंबर से मिले हैं, जो उसके बाद मैडम से मेरा से मिला, तो मेरा मैडम पूरा मेरे को हेल्प किया था। अभी हम टेलरिंग सीख के हम टेलरिंग करती है और हमको उसमें थोड़ा पैसा मिलता है। मैडम मेरे को एक मशीन भी दिया हुआ है जो हम दूसरे लोग को भी हम सिखाती हैं, अभी अपना परिवार को भी चलाती है, और उसमें और किसी को भी सिखाने मांगता तो हम उसको भी सिखा देती है। थैंक यू, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और अपनी आप बीती बताने के लिए, और ये भी कि किस तरीके से पंख के जो फाउंडर हैं कोमल आनंद जी, उन्होंने किस तरीके से इन्हें मदद किया ताकि ये अपने जीवन में आगे बढ़ सके, उनके लिए हम उन्हें धन्यवाद करते हैं। कोमल आनंद जी, इस नाम से आप सब काफ़ी परिचित होंगे, पूरे अंडमान निकोबार के लोग लगभग इन्हें जानते हैं एज ए सोशल वर्कर, कई सालों से जिन्होंने समाज सेवा के कार्यों में बहुत काम किए हैं और काफ़ी लोग इनसे प्रेरणा लेते हैं, इनसे मदद लेते हैं, खासकर इनका जो एनजीओ है पंख, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। चलिए हम सीधा उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि आज के जो कार्यक्रम है इनकी क्या सोच थी इसको लेकर और इसे किस तरीके से वे आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार, मैं तो इतना ही बोलूँगी आज कि आज 2 दिसंबर है और कल वर्ल्ड डिसेबल डे है। एनजीओ वर्ल्ड डिसेबल डे हम लोग हर साल साल भर में 4 कैंप्स करते हैं स्पेशल बच्चों के लिए और उनकी मदर्स के लिए स्पेशली। तो ये जो हम लोग कैंप्स करते हैं इन्हीं से हम कांटेक्ट कर पाते हैं ऐसी फैमिलीज़ को जिन्हें हमारी सही में ज़रूरत है, तो उन तक हम पहुंच पाते हैं ये इन्हीं की वजह से। तो इस बार हमने क्या सोचा कि हम चिन्मय मिशन के ऑडिटोरियम में ना करके हम फरारगंज ओल्ड एज होम के जो बच्चे हैं वहाँ पर डिसेबल्ड बच्चे भी हैं, स्पेशल बच्चे भी हैं, वहाँ हम लोग अब की बार सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज हमने ये सोचा, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि शायद पंख को आज एक और पंख, सुनहरा पंख हमने दिया है, एक और ऐड हुआ है
क्योंकि हम इतने सालों से जो फैमिलीज से कनेक्टेड हैं वो फैमिलीज, उनकी एक सिंगल मदर है वो मेरी एंटिनो, वो अपने तीनों बच्चों को, उनके तीनों बच्चे भगवान की दया से स्पेशल हैं. और सच्ची में मैं तो कभी इनको डिफरेंटली एबल्ड बोलना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि इतने सालों से मैं इनके साथ जुड़ी हुई हूँ सबके साथ. तो दिव्यांग इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनमें एक दिव्य दृष्टि एक्स्ट्रा होती है, जो जिससे मैं बहुत क्लोजली रिलेटेड हूँ. तो मुझे पता है कि इनमें क्या शक्तियाँ हैं, तो वो शक्तियाँ शायद वो पॉजिटिव वाइब्स में, हम भी इसमें बहुत खुदगर्ज हो जाते हैं कि नहीं हमको पानी है वो इनसे. हमने एक यहाँ पर चिन्मय मिशन हमारे लिए एक ब्लेसिंग्स है. स्वामी जी हमेशा हमसे, हमें हमेशा सपोर्ट के लिए खड़े रहते हैं हमारे लिए. तो हमने यहाँ सोचा कि क्यों ना हम हफ्ते में तीन एक टेलरिंग क्लासेस शुरू करें, क्योंकि जिन जो डिफरेंटली एबल जो दिव्यांग लेडीज़ हैं और लड़कियाँ हैं, वो अपने घर में ही अपना काम शुरू कर सकती हैं. छोटा छोटा हम कोई क्रैश कोर्सेज नहीं करवा सकते, पर हाँ हम जिनके थ्रू, जिसके थ्रू करवाएंगे उसको भी एक फायदा मिलेगा इससे, उसकी भी हेल्प होगी और हमारे एनजीओ की भी हेल्प होगी, और जिनके लिए हम कर रहे हैं उनकी तो ऑब्वियसली हेल्प होगी. तो मेरे को कल ही किसी ने बोला था कि जो दिखता है वो बिकता है, पर पता नहीं क्यों मेरे हिसाब से हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती. उसको चमकती हुई चीज़ को देख के लोग हमेशा भागते हैं, लेकिन बाद में वो खोटा ही निकलता है. तो हमें तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इतने काम इतने होते हैं कि हम भूल भी जाते हैं. इसीलिए मैं आपको बीच में टोकूंगा, इसीलिए दिखाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आजकल की जो बिजी लाइफ है ना, पहले वर्ड ऑफ माउथ बहुत हुआ करते थे, लोगों के पास समय होता था बताने के लिए एक दूसरे को, आज किसी के पास टाइम नहीं है. इसीलिए सोशल मीडिया, आजकल देखिए लोग बात नहीं करते मगर सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव रहते हैं. सो अगर आपको बताना है कि आप कुछ कर रहे हैं, आपको किसी को मदद भी पहुँचाना है, तो सोशल मीडिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट. इसका भी मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी अमिन जी. हम जो काम कर पाते हैं हम ये सोच के करते हैं कि शायद हमारे थ्रू किसी को हेल्प हो जाए, तो वो जो हेल्प होती है ना वही हमारे लिए सोशल मीडिया बन जाती है. हमें आज तक मतलब शायद ये ऊपर वाली की कृपा है कि हमें वही ब्लेसिंग्स मिली हैं. इसलिए जैसे मैंने पहले भी बोला था कि सोशल सर्विस को हमने कभी भी इवेंट की तरह नहीं देखा, हमने ब्लेसिंग्स की तरह ही देखा है, और यही ब्लेसिंग्स हम आगे तक लेके जा रहे हैं. और पंख इसीलिए हमने नाम दिया कि हम वो पंख जो चिड़िया को मिलता है और वो अपने आप उड़ने की कोशिश करती है और फिर गिरती है, फिर उड़ती है, फिर गिरती है, फिर उड़ती है, सीखती वो अपने आप ही है, वही पंख हम देने की कोशिश करते हैं. ये छोटी सी एक कोशिश है बस, कोई बड़ी कोशिश तो बनती बाद में है, लेकिन हम शुरुआत तो कर सकते हैं, कुछ अच्छी सोच से हम शुरुआत कर सकते हैं. तो हमने आज हमारी जो जिनको हमने मशीन प्रोवाइड करके दी थी, उन्होंने उनकी एक हेल्प है और एक हमारा भी एक हम एक जरिया हैं शायद. हमने ये बैग्स बनवाए हैं जो आज के टाइम में बहुत ज़रूरत भी है, क्लॉथ बैग्स. तो ये वो बनाएंगी, तो जिनसे उनकी भी एक लाइवलीहुड में थोड़ी हेल्प मिलेगी. और मैं ये गुजारिश करती हूँ आपके थ्रू, आपने जैसे बोला सोशल मीडिया को देना होता है, तो शायद यही फ़ायदा मिल जाए हमको इस चीज़ से कि जिनको भी जो भी ये यूज़ करते हैं, चाहे वो शॉपकीपर्स हैं, चाहे अपने पर्सनल वो लोग, आजकल बिजनेस घरों में भी बिजनेस होते हैं,
तो वो हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ 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 ये हमारी हेल्प ना आप सोच के, आप उस सिंगल मदर की हेल्प कर रहे हैं इस टाइम, कि आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप लॉट में भी बनवा सकते हैं इस चीज़ को। किसी को लॉट में चाहिए तो वो भी ऑर्डर दे सकते हैं और बनवा सकते हैं हमसे। इससे उनके भी फैमिली को भी भरण पोषण होगा। उस मदर के तीनों बच्चे डिसेबल्ड हैं, तो उनको वो हैट्स ऑफ टू दैट मदर। क्योंकि मैं हमेशा से कहती हूँ कि आजकल नॉर्मल बच्चों को उनका उनके संस्कार देना, उनका पालन पोषण करना, हाईली प्रोफाइल्ड फैमिलीज भी उनको भी प्रॉब्लम्स हैं। तो आप वो सोचिए जिनके बच्चे स्पेशल हैं, वो मदर कितनी स्पेशल होगी, आप वो सोचिए। मैं तो सलाम करती हूँ उन मदर्स को, क्योंकि मैंने क्लोजली देखा है। इसलिए कि मैं मन से ये चाह रही हूँ कि हम किसी तरह भी हेल्प कर सकें। और एक अनीता है ब्यूटिशियन, उसने भी हमको अप्रोच किया है कि वो ब्यूटिशियन कोर्स करवाएगी। जितनी दिव्यांग लेडीज़ हैं या गर्ल्स हैं वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और वो उससे फ्री ऑफ कॉस्ट वो कोर्स करवाएगी। और अपना घरों में भी आजकल तो वही बोलते हैं ना, स्किल और हाथ का हुनर कहीं भी काम आता है, तो वो अपने बलबूते पे खड़े हो सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ ही हम कर सकते हैं, हम बड़ी चीज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी जो खुशियाँ हम दे पाते हैं ना, वही बहुत है हमारे लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। अभी आपने सुना पंख की फाउंडर कोमल आनंद जी को, कितनी खूबसूरती से उन्होंने इतनी बड़ी बात को बहुत सरल तरीके से बताया कि ज़रूरतमंद जब इंसान को उनकी ज़रूरतों को अगर हम किसी भी ज़रिए से पूरा कर सकें, वो एक बहुत नेक काम होता है। तो पंख के द्वारा कोमल जी ने हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद की है। जिस तरीके से आज उन्होंने बताया कि एक माँ जिनको वो सलाम करती है, क्योंकि उनके तीन तीन दिव्यांग बच्चे हैं, स्पेशल डिफरेंटली एबल बच्चे हैं जिनको वो देख रेख करती है, मगर रोज़ी रोटी का जरिए के लिए पंख द्वारा उन्हें एक सिलाई मशीन दिया गया है और उन्हें ट्रेनिंग भी दी जा रही है कि वो बेहतर से बेहतर सिलाई कर सके। और जैसे ये बैग्स हैं, ये बैग बनाएंगी और इनको अहम न्यूज़ अंडमान 24/7 की टीम आप सब से गुजारिश करती है जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं कि पंख को कांटेक्ट करें और इस महिला की मदद के लिए आगे बढ़ें। साथ ही अनीता मजूमदार जी जो हैं अनीताज ब्यूटी सैलून की, उन्होंने भी एक कदम आगे बढ़ाया है और डिफरेंटली एबल वुमेन उन लोगों की मदद के लिए हम न्यूज़ अंडमान 24/7 की टीम इन सबको सलाम करती है और धन्यवाद देते हैं जो हमारे द्वीपों में ज़रूरतमंद लोगों के लिए आगे आए हैं। और साथ में हम सोशल वेलफेयर की डायरेक्टर मिसेस इति अग्रवाल जी, जिन्होंने इन सब काम में पूरा सहयोग दिया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7, नमस्कार। हम एक बार फिर इन सभी देवियों को सलाम करते हैं जिन्होंने द्वीपों की ज़रूरतमंद महिलाओं की मदद के लिए अपने कदम बढ़ाए हैं। हम न्यूज़ अंडमान 24/7 की टीम आप सभी से गुजारिश करती है कि अगर आप या आपके आसपास कोई ज़रूरतमंद हो तो इतना तो ज़रूर करें कि उन्हें इनसे ज़रूर मिलाएं, ताकि उनकी थोड़ी बहुत तकलीफ कम हो, यह भी एक पुण्य का काम ही होगा। इसी के साथ मैं अनीता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार। बुक योर ऑल डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट्स ऑनलाइन विद अंडमान ब्लू बे हॉलीडेज, अंडमान्स फर्स्ट फ्लाइट टिकट ऑनलाइन बुकिंग वेबसाइट। लॉग ऑन टू www.andamanbluebay.in for group tickets. Call or WhatsApp us at 9933215764.